नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खेती किसनी एक पर, जहां हम आपको खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में गोभी की खेती करने से पहले ध्यान रखने वाली 15 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। गोभी के लिए उपयुक्त दोमट या बलुई मिट्टी का चयन करें। इसमें ऑर्गेनिक खाद मिलाकर इसे अच्छी तरह से तैयार करें। यह आपकी फसल की नींव होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। दूसरा कदम है बीज चयन और उपचार। बारिश के मौसम के लिए जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें। बीजों को फफूंद नाशक और कीटनाशक से उपचारित करना न भूलें, ताकि आपकी फसल बीमारियों से सुरक्षित रहे। तीसरी बात, पौध तैयार करने के लिए नर्सरी का चयन करें। इसमें पौधों को सही तरीके से विकसित करें, ताकि वे मुख्य खेत में रोपण के लिए तैयार हों। चौथा कदम है पौधों का सही समय पर रोपण। बारिश के शुरुआती या मध्य चरण में पौधों को रोपण करें, ताकि उन्हें आवश्यक पोषण और जल मिल सके। पांचवी बात, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। इससे पौधों को पर्याप्त पोषण और जल मिलेगा और वे अच्छी तरह से विकसित होंगे। छठवीं बात, खाद प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। जैविक खाद का उपयोग करें और समय समय पर खाद डालें, ताकि आपकी फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। सातवीं बात, जल प्रबंधन का ख्याल रखें। फसल को जरूरत के अनुसार पानी दें। अधिक पानी से बचें, क्योंकि इससे पौधों को नुकसान हो सकता है। आठवीं बात, कीट नियंत्रण। खेत का नियमित निरीक्षण करें और कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। नौवीं बात, फसल की सुरक्षा। पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपाय अपनाएं, जैसे नीम का तेल या अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग। दसवीं बात, खरपतवार नियंत्रण। समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई करें, ताकि खरपतवार आपकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। ग्यारहवीं बात, फसल चक्र। गोभी की खेती के बाद दूसरी फसलों को उगाएं, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे और फसल अच्छी हो। 12वीं बात, कटाई का सही समय चुनें। जब गोभी के सिर पूरी तरह से विकसित हो जाएं और उनका रंग सही हो, तभी उनकी कटाई करें। 13वीं बात, खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पानी का जमाव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यह व्यवस्था बहुत जरूरी है। 14वीं बात, तापमान और उमस का ध्यान रखें। अत्यधिक तापमान या उमस से फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए खेत में ठंडक बनाए रखने के उपाय करें। 15वीं और अंतिम बात, जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करें। इससे आपकी फसल हरी भरी रहेगी और बेहतर उत्पादन देगी। तो दोस्तों, ये थी 15 महत्वपूर्ण बातें जो आपको बारिश के मौसम में गोभी की खेती करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो भी देखें और खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल खेती करें।